Assalamualaikum, welcome to our online English class. Today we are going to study English Tutor Book 3 of Salman Public High School. Take out your book, open unit number 11, page number 56. Unit number 11 है हमारे पास Incidents of Prophet Ibrahim अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात को इसमें बयान किया गया या कलमबंद किया गया है. सबसे पहले इसके हम लोग वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं, वर्ड्स मीनिंग के बाद हम इसकी इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हम लोग इसको रीड आउट करेंगे. अशेम्ड, शेमफुल यानी कि शर्म आना या शर्मिंदा हो जाना. एम्प्टी, कंटेनिंग नथिंग यानी कि खाली, जिसमें कुछ भी ना हो. आइडल्स, स्टैचूज विच वर वर्शिप्ड यानी कि ऐसे बुत जिनको पूजा जाता है उसको आइडल्स कहते हैं. स्मैश्ड, ब्रेक इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ देना. टेम्पल, प्लेस टू वर्शिप आइडल्स, ऐसी जगह जहाँ पर बुतों की इबादत की जाती है उसको मंदिर जो कि इसको कहा जाता है वो है टेम्पल. वर्शिपर, अ पर्सन हु हैज़ रिलीजियस फेथ यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको यानी कि जो अपने किसी अकीदे पर ईमान रखता हो या इबादत गुजार उसको कहते हैं वर्शिपर. एक्सपेंसिव, कीमती यानी कि हाई इन प्राइस, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो. अब हम इसकी रीडिंग करते हैं विद ट्रांसलेशन. प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिसाइडेड टू शो द आइडल वर्शिपर्स हाउ सिली वाज देयर बिलीफ. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो बुतों को कि वो जो बुतों की पूजा करते हैं यानी कि बुत पूजने वाले जो लोग हैं वो हाउ सिली वाज देयर बिलीफ यानी कि उन्होंने उनको दिखाने का इरादा किया कि वो उनका यकीन जो है किस कदर वो सीधा है या फिर सादा लू है जिसमें उनकी कोई भी सेंस नहीं है. ही अलैहिस्सलाम मेड अ प्लान टू डिस्ट्रॉय ऑल द आइडल्स. आप अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ने का फ़ैसला किया. देयर वॉज एन अपकमिंग सेलिब्रेशन, वहाँ एक यानी कि करीब ही एक त्यौहार आ रहा था. वेन ऑल द पीपल वुड गो आउटसाइड द टाउन, जब तमाम लोग जो हैं वो कस्बे के बाहर चले जाएंगे. प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वेटेड अनटिल द होल टाउन वॉज एम्प्टी. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार किया जब तक कि पूरा कस्बा जो है वो खाली नहीं हो गया. ही अलैहिस्सलाम टुक एन एक्स एंड वेंट इनसाइड, आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा पकड़ा और अंदर चले गए. द बिग टेम्पल, बड़े मंदिर के अंदर, वेयर ऑल द आइडल्स वर केप्ट फॉर वर्शिप, जहाँ पे इबादत के लिए तमाम बुत जो हैं वो रखे गए थे. देयर वर मैनी स्टैचूज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, वहाँ पे बहुत से जिसामत और हदोखाल के यानी कि मुख्तलिफ जिसामत और मुख्तलिफ हदोखाल के स्टैचूज यानी कि बुत जो हैं वो बहुत वहाँ पे रखे गए थे. ऑल ऑफ देम वर कवर्ड विद अ फाइन क्लॉथ्स एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, उन तमाम को कीमती कपड़ों और कीमती जेवरात से ढांपा गया था. देयर वर प्लेट्स ऑफ डिलीशियस फूड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दोज आइडल्स, वहाँ पे लजीज खाना की जो लजीज खानों के बर्तन जो हैं वो उन बुतों के आगे रखे गए थे. अब हम इसी के वर्ड्स मीनिंग को साथ साथ पढ़ लेते हैं. वर्ड्स मीनिंग क्या है इसके, डिसाइडेड फैसला किया, आइडल बुत, सिली सादा लो, बिलीफ यकीन, डिस्ट्रॉय तबाह करना, अपकमिंग आने वाला सेलिब्रेशन त्यौहार, टाउन कस्बे, वेट इंतज़ार, अनटिल जब तक, हॉल तमाम, एम्प्टी खाली, एक्स कुल्हाड़ा, स्टैचूज बुत, कवर्ड ढांपे हुए, क्लोथ्स कपड़ों से, एक्सपेंसिव कीमती, ज्वेलरी जेवरात, डिलीशियस लजीज फूड खाना, इन फ्रंट इनके आगे. तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है विद ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स मीनिंग के कंप्लीट होता है. राइट डाउन द डे एंड द डेट है. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट पेज इन आवर नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.